अस्सलाम वालेकुम। कराची में डकैती की अनोखी वारदात, शहरी होशियार रहे। डाकू घर के मकीनों को स्प्रे से बेहोश करके 15 लाख रकम ले उड़े। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चले कि शारा नूर जहां थाने के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक आई में वाकई घर में डकैती की वारदात के दौरान मुलजिमान ने स्प्रे करके घर में सोए हुए अफराद को बेहोश कर दिया और अलमारियों में रखे तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 50,000 नकदी और 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। अहले खाना सुबह उठे तो उन्हें खुली अलमारियां और बिखरा हुआ सामान देखकर डकैती की वारदात का इल्म हुआ। मुतासिरा शेरी ने बताया कि नामालूम मुलजिमान ने स्प्रे करके पहले घर वालों को बेहोश किया और फिर लूट मार की। वारदात के बाद मुलजिमान घर के अगली दरवाजे से फरार हुए। अतीक ने मजीद बताया कि मुतासिरा मकान 200 गज का है, जिसमें वो अपने दीगर 3 भाइयों के साथ रहते हैं। नामालूम मुलजिमान ने घर के 2 कमरों में वारदात की।